कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले 4 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार की सुबह वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब हो गई थी, वह बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने हार्ट अटैक की पुष्टि की। एंजियोप्लास्टी कर और ब्रेन के डैमेज होने के बाद कॉमेडियन के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की उंगलियों के बाद अब उनके शोल्डर में भी मूवमेंट होने लगा है, जिसे डॉक्टर एक अच्छा संकेत मान रहे हैं। साथ ही बता दें कि राजू श्रीवास्तव के परिवार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि प्रिय सभी, राजू श्रीवास्तव जी हालत स्थिर है और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी शुभचिंतकों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया किसी भी अफवाह, फर्जी खबर को प्रसारित करने पर ध्यान न दें, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही मुकेश खन्ना ने कहा, एंटरटेनमेंट का बादशाह बेहतरीन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने सुना है कि अब उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन कुछ चैनल वालों ने इस बात की घोषणा कर दी है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। आपको बता दूँ कि उनका निधन नहीं हुआ है, वे जिंदा है। आप सभी से यही कहूँगा कि आप उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करें, वे बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके निधन की अफवाह मत उड़ाइए। बता दें कि पिछले 10 सालों में राजू श्रीवास्तव की 3 बार एनजी इसी तरीके की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।